से मिल चुके हैं और बहुत से लोग अभी तक मिलना बाकी है। मेरी वीडियोस देखते हैं, व्हाट्सएप पे बात होती है, कॉल्स करते हैं, तो आज मैं आपके सामने प्रॉपर ही तरीके से आया हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ जो आप मैं वीडियो बनाऊँ जिम्स आपको जो मैं वीडियो शेयर करूँ पोस्ट करूँ, तो मैं उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो उसी को लेके मैंने सोचा है कि ये एक नया सेटअप लाया हूँ आपके लिए बहुत कम बजट में, जिम लाइन। बहुत बढ़िया ब्रांडेड मशीनरी है, कार्डियो जिसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। कहने का मतलब है कि कार्डियो अनयूज्ड है, किसी ने यूज ही नहीं करा है। इतना बढ़िया कार्डियो है कि आप उसको अगर देखेंगे जैसे क्या होता है कि पुराने जिम में प्लास्टिक के कवर्स, हैंडल्स, बटन टूट जाते हैं, तो कार्डियो में ट्रेडमिल बहुत बेकार लगता है। बट ये जो ट्रेडमिल्स हैं ब्रांड न्यू कंडीशन में है और साथ में इसके एक रिकमेंड बाइक है, डिस्प्ले से लेके पूरी बॉडी बहुत बढ़िया है, वर्किंग है, एक स्पिन बाइक है और इसके अलावा पूरी मशीनरी जिम लाइन की जो कि आपको इसमें दे देते हैं, लेट पुल डाउन एडवांस में बैक टैग फ्लाई, आपका फंक्शनल ट्रेनर, लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस, लेग स्क्वाट, मल्टी प्रेस, बैक टैग फ्लाई होगी आपकी। सेकेंड थिंग क्या है इसके अंदर, जो मशीनरी के अलावा जो स्ट्रेंथ के वेट है, डंबल प्लेट, फ्री वेट जिसको बोलते हैं, वो इतनी बढ़िया कंडीशन में है कि आप ये नहीं बोलेंगे कि आपका जिम पुराना है। पुराने जिम की पहचान होती है कि डंबल्स बहुत ज्यादा, आप डंबल तो बच्चा भी यूज करता है, डंबल बड़ा भी यूज करता है, और डंबल सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं उठाने करने फिर डन उसके बाद नीचे फेंकने, तो डंबल से पहचान जाती है कि जिम कितना पुराना है। तो इस जिम की खासियत ये है कि इसका डंबल और जो प्लेट है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में, कोई बोलेगा नहीं पुराना है। बाकी आपको मेरा काम पता ही है, पैकिंग एंड रिपैकिंग इस तरीके से होता है कि कोई बोलेगा नहीं कि आपका जिम पुराना है। ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपोर्ट ऑल इंडिया बाय रोड कहीं भी जाता है, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। एंड इसके बाद आपका जिम डिसमेंटल से रिमेंटल होना, आपको इंस्टॉलेशन दोबारा करवाना, आप सोचते हैं कि मैंने जिम तो परचेज कर लिया, उसको मशीनों को वहां पर चला कर कौन देगा, ट्रेडमिल कौन चलाएगा, तो वो भी हमारी ही टीम करती है। तो इसीलिए मैंने कहा सोचा कि आज आपसे मिलूं, आज सबके सामने मैं आके आपको बताऊं कि मेरा काम किस तरीके से है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप उसके हिसाब से अपना जिम जो सेटअप कर रहे हैं, जिम जो भी मैंने आज तक सेटअप करे हैं वो सारे मेरे ही लड़कों ने, मेरी ही टीम है पूरी, मेरे पास ही जो है मेरा क्लाइंट पुश क्लाइंट है, कोई भी क्लाइंट परेशान नहीं होता। एंड आप अपना जिम रन कर रहे हैं, आप जिम लाइन का जो ये सेटअप आया है बहुत लो कॉस्ट में है और ब्रांड न्यू कंडीशन में है, तो इसमें क्या है कि आप ये नहीं बोल सकते कि आप मैं जिम लगा रहा हूं तो मैंने इतने पैसे खर्च दिए, मैंने उतने पैसे खर्च दिए, जिम लगाना बहुत महंगा है। ये बहुत सस्ता सेटअप आया है कि आज की डेट में मैंने भी इससे सस्ता सेटअप कभी नहीं पूछा, क्योंकि मशीनरी एक होती है, एक डी के सीरीज या वैसे छोटी पुरानी सीरीज जो आती थी वो मिल जाती थी सस्ती, बहुत सस्ती मिल जाती थी, ट्रेडमिल किसे बेल्ट टेक वगैरह, अब बहुत से बंदे उसमें डुप्लीकेट डाल दिया, 6,000 की ओरिजिनल बेल्ट की जगह 2,000 की डाल दी, सामान ला के जुगाड़ कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जिम के अलावा जिम है, आप आओ देखो चलाओ पसंद करो और समझ आता तो ठीक है, और रिफर्बिशमेंट डिसमेंटल रिमेंटल सब फैसिलिटी मेरे पास अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है, बस आपने टेंशन फ्री होकर डील करनी है। जिम आपने परचेज किया और अपना ओपनिंग किया एंड उसके हिसाब से जो जिम आप चलाएंगे, तो आप जब कैलकुलेटर पे हिसाब बनाएंगे ना नया जिम लेने के लिए जब आप चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप खुद ही पता चल जाएगा कि मोंटी ने अपना आपका कितना पैसा बचा दिया। तो बात वही आ जाती है सारी मुंह पे कि सेकेंड हैंड जिम परचेज करके मशीनरी है ब्रांडेड मशीनरी अगर हम ले लेते हैं तो आप हमेशा प्रॉफिट नहीं रहोगे, 100% प्रॉफिट। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो जिम है ट्रेडमिल कार्डियो जितना भी फंक्शन है इसका, इसके अलावा जितनी मशीनरी है, जितना फ्री वेट है और रॉड्स, रॉड्स क्या होता है कि मेरे खुद की जिम में ये रॉड्स लगी हुई है यहाँ पर, ये डंबल्स आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेचेस आ जाता है डंबल में, आपको दिख ही रहा होगा डस्ट रस्ट है, सारा रस्ट है, तो पुराना जिम पता चल जाता है। तो ये जिम की खासियत यही है कि ना इसमें कोई रस्टिंग प्रॉब्लम है, कहीं पर भी इतना सा भी रश नहीं है। पैकिंग और डिटेलिंग अगर छोटी मोटी आप करवाते हैं, सीट कवर्स और सीट की जो फिटिंग्स हैं बिल्कुल ओके है, पैकिंग डिटेलिंग के बाद ये जिम ब्रांड न्यू कंडीशन में जाएगा, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने सेकेंड हैंड परचेज किया है, आप किसी को भी 100% बोल सकते हैं कि आपने नया जिम चाहिए।
25 की। तो मेरा काम थोड़ा सा ऐसा है, कुछ भाइयों का काम मैं कर चुका हूँ, कुछ भाई अभी सिर्फ व्हाट्सएप कॉल पे या फिर नॉर्मल कॉल पे हमारी बात चल रही है। मैं यूट्यूब पे ज़्यादा पुराना नहीं हूँ लेकिन मेरा काम पुराना है, और मैंने सोचा कि अब सब हाईलाइट होता है तो मैंने कहा एक छोटा सा चैनल पे मैं भी आपके सामने आई हूँ। तो कहने का मतलब ये है टोटल आपकी एक बहुत कम बजट में जिम सेटअप करो, हर चीज में फैसिलिटी आपको अवेलेबल होगी, किसी चीज में आपकी ये नहीं होगा कि आप जिम को लेके परेशान होंगे, क्योंकि ये जिम अगर आप पहले ही कम बजट में परचेज कर लेते हैं तो आपकी लाइब्रेरी कैसे कम हो जाती है, आपको फाइनेंस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत से बंदे जिम चला रहे हैं बट फाइनेंस कराते हैं, फिर ये लॉकडाउन की जो मार चल रही है उसकी वजह से किस्त वगैरह नहीं, इतनी किस्तें भरते हैं, इंस्टॉलमेंट जाती है, तो काम पूरा नहीं हो पाता, तो बड़े परेशान रहते हैं। तो छोटे बजट का सेटअप में क्या है कि आप छोटे बजट में इम्पोर्टेड पूरा जिम लेके जाते हैं, तो उसमें आपको फायदा ये रहेगा कि आप अपना जिम चलाओ, आपकी टेंशन नहीं है, वन टाइम एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपने करना है, जो कि बाहर आप 13-14-15-20 लाख रुपए की मशीनरी खरीदते हो, टीवी वगैरह, वो मेरे पास बहुत सस्ते में मिलते हैं। तो सस्ते में क्या होता है कि सब कुछ मिल गया आपको, आपने कुछ भी अदर कुछ भी कॉस्टिंग एक सुई तक नहीं की, एक कील तक जिम की नहीं, इस तरीके का काम है मेरा। तो मैं आपको एक वीडियो साथ में मैं आज पोस्ट करूंगा, आप जिम लाइन का वीडियो देखिएगा, सीट कवर से लेके मशीन्स को आप प्रॉपर तरीके से स्क्रो करके देखिएगा, पूरी स्किप वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तो आपको समझ आएगा कि कितने काम में कितनी वर्क। और कुछ भाई हैं ऐसे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सअप ना करें, आपको हेल्पलाइन नंबर दी है आप उस पर डायरेक्ट कॉल करें, कॉल करने से सर मैं आपकी इंक्वायरी जो आप लेना चाह रहे हैं वो मैं समझ पाऊंगा, व्हाट्सअप पे मिसकम्युनिकेशन हो जाता है कि मैं नहीं समझ पाता या आप नहीं समझा पाते, बहुत से रीजंस हो जाते हैं कि आपने क्या कहा, मैंने किस वे में सुना, कुछ नहीं पता, आप डायरेक्ट कॉल करिए, आप बिजनेस आवर्स हैं 10 to 6 PM के, आप उसमें कॉल करिए, कॉल करके आप बात करिए, आपकी जो इंक्वायरी है जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको पूरी कर सकूंगा उसके हिसाब से। तो व्हाट्सएप पे आप जैसे करते हैं व्हाट्सएप पे कि सेटअप भेज दो, वीडियो भेज दो, ये कितने का वो कितने का, सर वो समझ नहीं आता, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसको समझने के लिए ये रहता है कि मेरे पास इंक्वायरी के इतने, जैसे ही व्हाट्सएप ओपन करो इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। आप कॉल करिए, सीधा कॉल रिसीव होता है, रिसीव करने के बाद आपको डिटेल देंगे, मोस्टली कॉल तो मैं ही रिसीव करता हूँ, बाकी मैं अगर मीटिंग में बिजी हूँ तो मेरी टीम उठाती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम वहां आती है कि व्हाट्सएप पे आपने किया, फिर आप कुछ भाई कहते हैं कि फोन नहीं उठा रहे, तो सर ऐसा नहीं है, काम करना है, चैनल है, सब कुछ है, काम चल रहा है, काम सब कुछ है, सर इंसान तो बिजी रहता ही है ना, तो फोन कभी कभी नहीं उठते, वो उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं है सर, मोस्टली वो तो मैं ही कॉल बैक करूँ, तो कोई मिस कॉल भी मारता तो उसको भी कॉल करूँ, तो ऐसा नहीं, काम के लिए हम आए हैं, काम करना है, काम कर रहे हैं, जिम चल रहा है, जिम चला रहे हैं, और साथ में जो है और भी मशीन्स लगा के जिम सेटअप भी कर रहे हैं। तो मेरे पास छोटे से छोटा सेटअप, बड़े से बड़ा सेटअप, सारे इम्पोर्टेड US ब्रांड और जितने चाइनीज हो गए सब अवेलेबल है। तो ब्रांडेड मशीनरी का मैं मोस्टली सेकेंड हैंड का काम करता हूँ। तो आप अगर वीडियो को मेरी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और साथ में क्या है कि जो इस चैनल पर नया है सर, तो एक बार मेरी सारी वीडियोस देखिएगा, जितनी भी मैंने आज तक जिम्स की वीडियो डाली है इसके अंदर सेम के जिम डाली है, उससे आपको क्वालिटी पता चल जाएगा कि मैं किस टाइप का काम करूँ। मैं ये नहीं है कि मशीनों को पेंट कर दिया फिर आपको बता दिया ये कर दिया वो, नहीं सर, जो एक्चुअल कंडीशन करंट कंडीशन है वो जिम होते हैं, अगर मैं ऊपर से इसके ऊपर देखा वो नहीं कर दूंगा पेंट की, तो एक ओरिजिनल पेंट और एक हमारा ऊपर से क्या होगा जो पेंट है ऊपर से किया हुआ, वो पेंट में बहुत फर्क होता है सर, आप आज तो उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे 2 महीने बाद क्या करेंगे। तो घूम फिर के पास इस चीज की है, जो ओरिजिनल कंडीशन है जो करंट कंडीशन है मैं उसमें डील करता हूँ, हाँ आपको अगर रिफर्निश कराना है तो मैं करता हूँ उसकी कोई वो ऑप्शन आपका, ट्रांसपोर्टेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टॉलेशन की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी टीम जाएगी, ऑल इंडिया कहीं भी आपको सेटअप करना हो, जिम सेटअप करना हो, कहीं भी विजिट करनी हो, सर्विसिंग करनी हो, तो मेरी टीम ऑल इंडिया में 24 घंटे, तो आप एक बार जुड़े काम करिए
और आपको काम भी अच्छा लगेगा, होपफुली है मिलकर आपको अच्छा लगेगा मुझसे। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर मिलूंगा। अभी आप जिम लाइन का वीडियो देखिएगा, मैं आज ही अपलोड कर रहा हूँ। ओके।